गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का और एक सेशन। डेट है आज 17 जून, रात के बजने वाले हैं 8। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सेशन गया है आज का। निफ्टी तकरीबन 150 पॉइंट्स डाउन होकर बंद हुआ है। बहुत मेजर ब्रेकडाउन था। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, काइंडली इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नाम है शेयर एकेडमी। अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। और वीडियोज़ को लाइक तभी कीजिएगा अगर ये वीडियोज़ आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल हों या फिर आपको इनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो। अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना फ्रेंड्स, तो जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप से। स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। शर्त केवल एक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम न केवल शेयर्स को फंडामेंटली और टेक्निकली थॉरली एनालाइज करके लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में रखने की सलाह देते हैं, बल्कि हम स्पेकुलेशन या फिर गैम्बलिंग से पूरी तरह से दूर रहते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर हैं और इस संबंध में किसी तरह की कोई मदद ढूंढ रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, हमारा चैनल आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाउएवर, अगर आप क्वालिटी के शेयर्स ढूंढ रहे हैं और लंबे समय के लिए उनमें निवेशित रहना चाहते हैं, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी सीरीज जो चल रही है लर्न टू अर्न, बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है आप सभी के द्वारा। और तकरीबन 2 हफ्तों से हमने इस सीरीज़ का कोई अगला वीडियो नहीं दिया था, जिसके लिए हमें बहुत सारी गालियाँ पड़ी। आप लोगों ने बहुत जोर देकर हमसे कहा कि सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए और इसका सेकंड सेशन जल्दी ही शुरू कीजिए। तो आज हम उसी सेकंड सेशन को लेकर आए हैं फ्रेंड्स, लर्न टू अर्न सीरीज़ का अगला वीडियो, जो कि हमारी इस सीरीज़ का 12th वीडियो है। और टॉपिक है फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। आमतौर पर आपने मार्केट के अंदर देखा है कि या तो आपको टेक्निकल एनालिस्ट मिलते हैं बिजनेस चैनल पर, या फिर फंडामेंटल एनालिस्ट। ना ही फंडामेंटल एनालिस्ट कभी भी टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं और ना ही टेक्निकल एनालिस्ट कभी भी फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। तो आखिर इस चैनल के ऊपर ये दोनों चीज़ें एक साथ क्यों डिस्कस की जाती हैं? न केवल फंडामेंटल और टेक्निकल्स हम डिस्कस करते हैं, बल्कि साथ ही साथ हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी डिस्कस करते हैं। खैर, आज ऑप्शन चेन एनालिसिस की हम बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की। क्वेश्चन होंगे कि आखिर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों अलग अलग क्या है, दूसरा कि ये क्या दर्शाता है, और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस से हमें मदद कैसे मिल सकती है, और तीसरा इनका सबसे बेस्ट इस्तेमाल क्या हो सकता है, इसे किस कॉम्बिनेशन में हमें इस्तेमाल करना चाहिए तब ये हमारे लिए सबसे बेहतर होंगे। और फ्रेंड्स, आज ही के इस सेशन में आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्यों शेयर एकेडमी बाकी किसी भी दूसरे चैनल से बेहतर है मार्केट में चलने वाले। ओके, तो शुरू करते हैं इस जर्नी को फ्रेंड्स। पूरी जर्नी में हमारे साथ में रहिएगा। सेशन बिल्कुल छोटा सा रखेंगे और एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको सिखाएंगे, बिल्कुल भी जार्गन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं ये शो ऑफ नहीं करेंगे कि हमें बहुत कुछ आता है और आपको बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है? ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और टेक्निकल एनालिसिस क्या है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी शेयर का जो मूवमेंट है उसके पीछे होता है उस शेयर का एक बिजनेस। शेयर के बिजनेस को अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको जानना है कुछ वर्ड्स, जैसे कि बैलेंस शीट या शेयर का धंधा क्या है। ये है फंडामेंटल्स। ध्यान रखिए हमेशा कि फंडामेंटल किसी भी शेयर के मूवमेंट का 60% हिस्सा गवर्न करते हैं। दोबारा सुनिए, किसी भी शेयर के मूवमेंट का 60% हिस्सा फंडामेंटल्स गवर्न करते हैं। अगर वो कंपनी जो भी धंधा कर रही है, जिस भी बिजनेस में है, अगर वो बिजनेस अच्छा है, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में या उसकी सर्विसेज बिक रही हैं, तो हम कहते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो लंबे समय में वो कंपनी ऊपर ही जानी है, उसका शेयर ऊपर ही जाना है। इसलिए जब भी कभी भी आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करें तो उससे पहले ये ज़रूर देखें कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। और फंडामेंटल्स देखने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत सारे रेशियोज़ हैं, अर्निंग पर शेयर, PE, मार्केट कैपिटल कितना है, ये सब कुछ। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के प्रमोटर्स का हिस्सा कंपनी में कितना है, बैलेंस शीट के साथ साथ अगर कंपनी में किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड्स का निवेश है तो वो, बैलेंस शीट के बाद कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें आती हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि फंडामेंटली अगर शेयर स्ट्रांग है तो लंबे समय में वो शेयर प्रॉफिटेबल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि वो लंबा समय 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल हो, बट अगर शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर शेयर के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो शेयर जिस कंपनी का है वो कंपनी का धंधा बढ़िया है, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, उसका बिजनेस अच्छा है, तो लंबे समय में वो कंपनी प्रॉफिट देगी ही देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स हमें ये बताते हैं कि हमें कौन सी कंपनी खरीदनी है। 10 कंपनियों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो फंडामेंटल्स हमें ये बताएंगे कि हमें इन 10 में से कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए और कौन सी कंपनी अवॉइड करनी चाहिए। ये है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि किसी भी एनालिसिस का 60% पार्ट गवर्न करती है और सबसे पहला आधार होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि अच्छे समय में तो अच्छे बुरे सारे शेयर्स चलते हैं। एक समय था जब किंगफिशर एयरलाइंस भी 40-50 रुपए चला करता था, आरकॉम भी 200 रुपए चला करता था, बट फंडामेंटल्स थे वीक। सुजलॉन की भी यही हालत थी। आप नाम लीजिए बस उसका, एडीएजी ग्रुप के सारे शेयर्स, चलिए हम अपनी जो जिन शेयर्स को हमने अवॉइड किया था वही शेयर निकाल लेते हैं। वक्रांगी, टाटा के सारे शेयर्स, टाटा मोटर्स, टाटा इलेक्साई, पीसी ज्वेलर्स, रेन इंडस्ट्रीज, फ्यूचर कंज्यूमर्स, ये सारे वो शेयर हैं। टीवी 18, डेन, जागरण, एनडीटीवी, आइडिया, जेट एयरवेज, ये सारे वो शेयर हैं जिनके फंडामेंटल्स वीक थे, बट शेयर एक समय बड़े अच्छे चला करते थे। तो जब अच्छा समय होता है उस समय तो अच्छे बुरे सारे शेयर बढ़िया चल रहे होते हैं, बट अगर फंडामेंटल्स कंपनी के वीक हैं तो जैसे ही बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त का मतलब कि जब कंपनी अपना लोन पे करने में नाकामयाब होती है या जब कंपनी मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं सह पाती, तो जिस भी कंपनी के फंडामेंटल्स वीक होंगे वो कंपनी ज़मीन पर गिरेगी ही गिरेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी 2 साल 5 साल मार्केट में सर्वाइव कर ले गई, जेट एयरवेज जैसी कंपनी मार्केट में कितने साल से सर्वाइव कर रही थी, बट अल्टीमेटली चूंकि फंडामेंटल्स वीक थे, कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए कंपनी को गिरना ही पड़ा। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए, जब भी शेयर एकेडमी आपको किसी भी शेयर के बारे में सलाह देता है तो सलाह से पहले हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमें इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लें दीजिए, उसके बाद ही हम शेयर की सलाह देंगे, शेयर में बाय की सलाह देंगे। और इसीलिए हमने हर एक शेयर पर फंडामेंटली एनालाइज करने के बाद ही आपको बाय का रिकमेंडेशन दिया है, या फिर ज़्यादातर शेयर्स को अगर फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो उसे अवॉइड करने के लिए कहा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये बताती है कि हमें कौन सा शेयर खरीदना है। एक बार जब आपको ये पता चल गया कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है, तब आता है टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में आप जानते हैं कि हम हमेशा चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट स्टडी करते हुए हम बेसिकली शेयर का मूवमेंट समझते हैं। और कैसे, ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया है जब आपने लर्न टू अर्न सीरीज के ये सारे वीडियोस देखे हैं, जिनमें कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस और साथ ही साथ ट्रेंड एनालिसिस क्या है ये। तो फंडामेंटल एनालिसिस जब हमें ये बताता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, तो टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि उस शेयर को किस रेट पर खरीदना है। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिए, MRF फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन, क्या करंट लेवल्स पर MRF को खरीदा जाना चाहिए, या मान लीजिए कि फंडामेंटल्स MRF के बहुत अच्छे होते तो क्या आप MRF को 75,000 के लेवल पर खरीदते, जबकि आपको पता था कि MRF 75,000 के बाद नीचे गिरेगा और करीब करीब 55,000 पर आ जाएगा। अगर आपको ये पता होता कि MRF 75,000 से नीचे गिरने वाला है तो क्या आप इस शेयर को खरीदते, जवाब है नहीं। क्यों? अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता है, आपको पता है कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकआउट होकर शेयर अब नीचे गिरने वाला है, तो आप इसे बाई नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताती है कि आपको शेयर कब खरीदना है। इवन फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स को भी हर समय खरीदना नहीं होता, उन्हें उनके निचले लेवल्स के पास में खरीदना चाहिए ताकि हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें समय का अपने फेवर में और अपने पैसे का अपने फेवर में। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में आपकी अप्रोच फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस के साथ में होनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप ढूंढिए कि कौन से शेयर्स आपको खरीदने चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर आपको ये ढूंढना चाहिए कि उन शेयर्स को किन लेवल पर खरीदना है। शेयर स्ट्रांग है, कंपनी स्ट्रांग है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको बहुत महंगे दामों पर खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा तभी बनेगा जब आप कंपनी को सस्ते पर खरीद कर महंगे पर बेचेंगे। सो ये है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के इस्तेमाल से ट्रेडर्स प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, और हम क्यों फंडामेंटल एनालिसिस के पीछे भागते हैं। उसकी एक वजह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर्स हर दिन बहुत ही कम मार्जिन के लिए ट्रेड करते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स बाय करते हैं किसी भी शेयर को 1%, 1.5% या 2% के प्रॉफिट के लिए, बट शेयर एकेडमी में हम शेयर्स को इतने कम प्रॉफिट के लिए बाय नहीं करते। हमारे मिनिमम एक्सपेक्टेशन किसी भी शेयर से 10% के होते हैं, और अगर आप किसी भी शेयर से 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको उस शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना ही होगा। यही वजह है फ्रेंड्स कि जब हम फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों बेसिस पर शेयर्स को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी शेयर में मिनिमम 10%, 20, 30, 40% तक के रिटर्न। और आपको पता है कि माइथन अलॉय, IGL, एशियन ग्रेनिटो, इन सारे शेयर्स में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने 40% तक के रिटर्न्स निकाले हैं। तो ध्यान रखिए कि जो अप्रोच फंडामेंटल और प्लस टेक्निकल एनालिसिस की है, इस अप्रोच के द्वारा जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न है मार्केट से वो बढ़ जाते हैं, इसलिए हम फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड,
बुरे वक्त में फ्रेंड्स जितने अच्छे वक्त में जितने अच्छे शेयर्स हैं वो सब तो परफॉर्म करते ही हैं, बट जो बुरे शेयर्स हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। बट हमें न केवल प्रॉफिट बनाना है बल्कि लॉस से बचना भी है। इसलिए ध्यान रखिए कि जो करंट मार्केट चल रही है, अगर इस तरह की मार्केट में आप अच्छे शेयर्स में निवेशित नहीं हैं, अगर आप गलत शेयरों में निवेशित हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो आपका पिछले 3-4 सालों का सारा प्रॉफिट लॉस में जा सकता है। इसीलिए शेयर एकेडमी जो अप्रोच इस्तेमाल करती है वो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस का है, कि जो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अगर आप लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रखें भी, बुरे समय में वो थोड़े से करेक्ट होते भी हैं अगर 10-15% के, तो जैसे ही समय अनुकूल आता है वो दोबारा से अपना जो जितना भी करेक्शन है उसे पूरा रिकवर करके और दोबारा से प्रॉफिट में आ जाते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ जो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, उनका एक बार अच्छा समय जब खत्म होता है और बुरा समय शुरू होता है, तो वो कंपनी को बैंकरप्ट करने के बाद ही बंद होता है। आपके सामने 1000 एग्जांपल्स हैं और ADAG ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो एक लाइव एग्जांपल आपके सामने चल रहे हैं। इसलिए शेयर एकेडमी का अप्रोच मार्केट में हमेशा फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस का होता है। ओके फ्रेंड्स, और अब इसी नोट पर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। दोबारा से एक बार दोहरा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए हम ढूंढते हैं मार्केट के अंदर वो शेयर्स जो शेयर्स आपको परचेस करने हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताती है कि क्या खरीदना है, टेक्निकल एनालिसिस हमें बताती है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस का जब आप इस्तेमाल करते हैं तब आप मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाते हैं, क्योंकि जब आप केवल टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं तब आप मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। थर्ड चीज, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लॉसेस मिनिमम होते हैं और आपके पोर्टफोलियो की क्वालिटी मैक्सिमम होती है। ये वजह है फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर अगर आप लर्न टू अर्न सीरीज के एक स्टूडेंट हैं तो आपको हमेशा इस अप्रोच को फॉलो करना ही चाहिए। कभी भी सिर्फ फंडामेंटल या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स के चक्कर में पड़ेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे शेयर्स खरीदेंगे, बट MRF को आप खरीद लेंगे उसके हाईएस्ट पॉइंट पर। और आपको दिखाते हैं आयशर मोटर, इसे खरीदेंगे आप इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि शेयर कब आपको रिटर्न दे। दूसरा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के चक्कर में पड़ते हैं तो आप बाय करेंगे सुजलॉन को, आप बाय करेंगे आरकॉम को। ठीक, सो न केवल फंडामेंटल न केवल टेक्निकल, बल्कि दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप शेयर एकेडमी के जो हमारे तरीके हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं कैप के, उसके सिद्धांत पर आप चलेंगे, जो कि है नॉलेज, ए फॉर एनालिसिस एंड पी फॉर पेशेंस, और फिर आपके पास में मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा मार्केट के अंदर। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस का, तब मार्केट से आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो इस वजह से हमेशा अपना नॉलेज धीरे धीरे बढ़ाते रहिए दोनों ही क्षेत्रों में, फंडामेंटल और प्लस टेक्निकल एनालिसिस के। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का ये सेशन न केवल आपके लिए आई ओपनर होगा बल्कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज भी देकर जाएगा। अगर ऐसा है तो आपने इस सेशन से जो कुछ भी सीखा उसे एक लाइन के अंदर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। फ्रेंड्स, आपके इन कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में अच्छी खासी एनर्जी टाइम बहुत कंज्यूम होता है, क्योंकि इनके लिए पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको क्या क्या देना है, किस लेवल का नॉलेज देना है। और आपके जो कमेंट्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बूस्टिंग का काम करते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं हमें किसी भी तरह से सपोर्ट करना तो आप मन की बात सीरीज देखिए, इसी तरह के वीडियोस बनाकर आप हमें भेज सकते हैं, हमारे मॉडरेटर्स के नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं वीडियोस को और बता सकते हैं कि क्यों आपको शेयर एकेडमी या फिर हमारी लर्न टू अर्न सीरीज पसंद है। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल का फेस बनिए, इस चैनल का हिस्सा बनिए, हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। साथ ही साथ आप चाहें तो पेटीएम पर हमें डोनेट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आ रहा है, या फिर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी डोनेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको न केवल पसंद आया होगा बल्कि आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा। थैंक यू वेरी मच।